मूंग की दाल से नाश्ते, हलवे और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं, गारंटी देती हूँ कि आप इसे देखने के बाद बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये बहुत ही कम चीज़ों से और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है कि जो भी खाए बस वाह वाह करता रह जाए। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए मिलके बनाते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा कप के आसपास मूंग की दाल, और ये बिना छिलके वाली है, देख सकते हैं। आपके पास अगर छिलके वाली दाल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए आप ये बिना छिलके वाली मूंग की दाल का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा भिगो लेते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है काफ़ी सारा तो आप इसको ओवरनाइट के लिए सोक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 20 मिनट में ही सोक करके तैयार करूँगी, उसके लिए मैं इसको गर्म पानी में डाल रही हूँ। और अब हम इसको ढक्कन लगा करके लगभग 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे, जिससे कि आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपकी मूंग की दाल भीग करके तैयार हो जाएगी। जब तक ये भीग कर तैयार होती है तब तक हम चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में डालेंगे 1.5 कप के आसपास चीनी। तो मैंने यहाँ पर जो चीनी ली है थोड़ी सी मोटे दाने वाली है, अगर आपके पास छोटे दाने वाली चीनी है तो आप 2 कप डालें। थोड़ा सा चाशनी हम ज़्यादा बनाएंगे। जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हमें पानी लेना है, बस हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें यूज़ करेंगे। तो 2 कप से थोड़ा सा कम पानी का यूज़ हमने किया है, देख सकते हैं। तो बिल्कुल नाप करके ही डालना है। और अब हम चीनी को अच्छी तरीके से घुलने तक पकाएंगे। तो फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है, मीडियम रखना है, जैसे कि चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए। देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद चीनी अच्छी तरीके से घुलने लगी है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और हमें इसके लिए जलेबी की तरह चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है। ज़्यादा इसमें तार नहीं बनना चाहिए और ज़्यादा पतला भी चाशनी नहीं होना चाहिए, बस चिपचिपा सा होना चाहिए। अब इसमें फ्रेग्रेंस डालने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ केवड़ा जल का। आप यहाँ पर रोज़ वाटर डाल सकते हैं या फिर इलायची के दाने डाल सकते हैं कूट करके। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से टेस्ट के लिए फ्लेवर कोई भी ऐड कर सकते हैं या फिर बिना फ्लेवर के भी बना सकते हैं। और अब हम चाशनी को अच्छे से उबाल लिए हैं 2 से 4 मिनट के लिए। अब देखिए हल्की से चिपचिपी होने लगी है ये, और इसमें तार भी नहीं बन रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और चाशनी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं ढककर। तब तक देखिए हमारी जो मूंग की दाल है अच्छी तरीके से फूल करके तैयार हो गई है। मात्र 20 से 25 मिनट में ही ये रेडी हो जाते हैं, ये देखिए। तो गर्म पानी में और ढक करके अगर आप भिगोएंगे ना तो बहुत ही आसानी से और जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। देखिए आप इनको हाथों में मैश करके देखें, इस तरीके से इनके टुकड़े हो रहे हैं। तो मूंग की दाल बिल्कुल तैयार है, इसको अच्छे से धो लिया है मैंने। और अब बिना पानी डाले हम इसको डालेंगे एक मिक्सी के जार में। तो पूरा पानी निकालने के बाद ही हम इसको जार में डालेंगे। और अब हम इसमें बिना कुछ डाले इसको पीसेंगे बहुत ही बारीक सा। एक भी मूंग की दाल साबुत नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ सा पीसना है और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो चलिए पीस लेते हैं। और ये देखिए हमारी मूंग की दाल अच्छी तरीके से पीस करके तैयार हो गई है, बहुत ही बारीक और एकदम स्मूथ। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा मिक्सी को रोक रोक कर चलाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी और आसानी से ये पिस जाते हैं। अब यहाँ पर इस रेसिपी को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए मैंने लिए हैं पनीर। ये मैंने मार्केट वाली पनीर ली है, लगभग 100 ग्राम के आसपास है। आप चाहें तो दूध को फाड़ करके भी पनीर यूज़ कर सकते हैं छेना। मैंने ये मार्केट वाली ली है, या फिर आप घर वाली भी ले सकते हैं। अच्छे से इनको क्रम्बल कर लीजिए, और अब हम इसको इस मूंग की दाल वाले पेस्ट में ऐड कर लेंगे। या फिर आप पनीर की जगह पर खोया या मावा का यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे कि टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। वैसे पनीर से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। चलिए इनको हम पीस लेते हैं, अगर ज़रूरत लगेगी तो 2-3 चम्मच पानी ऐड कर लेंगे। और ये देखिए मिक्सी को लगभग 3 से 4 बार मैंने रोक रोक कर चलाया है, और इसमें मैंने 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है बस। देख सकते हैं मिक्सचर हमारा कितना गाढ़ा है, एकदम इतना ही गाढ़ा हमें इस बैटर को रखना है। ज़्यादा पतला कर देंगे तो आपकी मिठाई का बढ़िया शेप नहीं आएगा और अच्छे से वो रस को एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, इसलिए हमें इस बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, जितना मैंने रखा है, देख सकते हैं। अगर आपका बैटर थोड़ा गीला हो जा रहा है तो आप इसमें सूजी डाल सकते हैं, जिससे कि कोई टेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा और आपका बैटर थिक भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना स्मूथ मैंने इनको पीस कर लिया है, एक भी टुकड़े नहीं है और ये थोड़ा सा कोर्सली भी नहीं है, एकदम स्मूथ हो गए हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं एक बड़ी सी बोल में, और इस बैटर को हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फेंटना होगा। अगर आप इसको फेंटेंगे नहीं तो आपको इसमें सोडा मिलाना होगा, लेकिन अगर आप इनको अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं ना तो आपको इसमें सोडा नहीं मिलाना है, और ये अच्छी तरीके से रस को अब्सॉर्ब भी करेंगे और स्पॉन्जी भी बनेंगे। तो चाहे तो विस्कर से या फिर इस तरीके के स्पैचुला से, हाथों से भी फेंट सकते हैं। तो इनको बस बढ़िया से स्मूथ कर लीजिए ताकि ये फूले फूले और स्पॉन्जी बने, और आप इनकी थिकनेस देख सकते हैं, स्पैचुला में लगने के बाद ये आसानी से गिर नहीं रहे। तो इतना ही गाढ़ा हमें इस बैटर को रखना है, इसको बिल्कुल भी फ्लोइंग नहीं रखना है। और अगर आपको पतला लग रहा हो तो मैंने बताया कि आप सूजी डाल सकते हैं इसमें 2-3 चम्मच।
तो मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है, अब चलिए इनको हम कुक करते हैं। तो यहाँ पर एक चम्मच की मदद से हम इनके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और इनको बढ़िया सा शेप देने के लिए हाथों को हल्का सा पानी से गीला कर लीजिए और इनको गोल इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। आप इनको चाहे तो इस तरीके से टेढ़े मेढ़े भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गोल रखेंगे ना तो देखने में अच्छे लगते हैं। तेल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे और अब हम एक एक करके ये बॉल्स इसमें डाल देंगे। मैंने इसके साइज़ बहुत बड़े बड़े नहीं रखे हैं, नींबू से थोड़ा छोटा साइज़ इसका रखा है, ये देखें। तो सारे हम बॉल्स इस तरीके से डालेंगे और अभी मैंने फ्लेम को कम रखा है और जैसे ही हम सारे बॉल इसमें ऐड करेंगे हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि ये एक समान और अच्छी तरीके से सिक सकें। एक साइड सिकने के बाद इनको हल्के हल्के से टर्न कर लेंगे और एकदम एक बराबर इनको सेकना है ताकि बढ़िया सा कलर इनके ऊपर आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से सफ़ेद दिख रहे हैं और कहीं से गोल्डन, एकदम बढ़िया से इनको गोल्डन कर लीजिए और ये जल्दी ही फूल कर तैयार हो जाते हैं। देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो बस इनको निकाल लेते हैं किचन टॉवल पे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो आप चाहें तो इस बैटर में थोड़ा सा चीनी डाल करके इनको ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो इनको मैंने निकाल लिया है, दूसरा लॉट भी हम इसमें तल लेते हैं सेम तरीके से। लेकिन ध्यान रहे फ्लेम को आप हाई मत रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे बैटर डालिएगा, उसके बाद आप इसको फ्लेम को बढ़ाकर बढ़िया से गोल्डन कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे बॉल्स बनकर रेडी हैं। अब हमारी चाशनी भी हल्की गुनगुनी है तो अब हम ये सारा बॉल इसके अंदर डाल देंगे चाशनी के अंदर। और देखिए चाशनी मैंने काफ़ी सारी बनाई है जिससे कि सारे बॉल एक समान अच्छी तरीके से इसमें डूब सके। थोड़ा सा चाशनी ज़्यादा होने से ये अच्छी तरीके से रस को अब्सॉर्ब कर पाते हैं। चाशनी ज़्यादा हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, आप इस चाशनी को बाद में छान करके बॉटल में भर के फ्रिज में रख लें और कभी भी आप मिठाइयों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे बॉल अच्छी तरीके से देखिए डूब गए हैं। तो अब हम ढक्कन को बंद कर देते हैं और इनको हम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और आइए चेक करते हैं हमारे जो बॉल्स हैं ये देखिए कितने ज़्यादा फूल गए हैं और बहुत ज़्यादा जूसी बने हैं। ये देखिए एकदम गुलाब जामुन की तरह ये दिख रहे हैं और टेस्टी भी उतने ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लाजवाब हैं। ये देखिए कितने जूसी हैं, देख रहे हैं एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने ज़्यादा स्वादिष्ट और उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट। आप इस जूसी सी मिठाई को रस वड़ा या फिर मूंग की दाल के गुलाब जामुन भी कह सकते हैं क्योंकि ये इतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं जैसे गुलाब जामुन। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर से लिख कर बताइएगा। और इन त्योहारों में ये हेल्दी सी मिठाई ज़रूर से बनाइएगा और अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको इन्हें कट करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा नरम बने हैं और अंदर से परफेक्ट सी जाली भी आई हुई है। ये देखें एकदम चम्मच रखते ही आराम से टूट जाते हैं और देखिए कितनी ज़्यादा जूसी हैं। ये देखें एकदम रसगुल्ले की तरह रस को अब्सॉर्ब कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखना आपको ये बहुत पसंद आएगी। मिठाइयों की और भी रेसिपीज़ के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एकदम नए नए तरीके से, तो जाकर जरूर से ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके पास मेरी हर दिन की नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे वो भी फ्री में। तो चलिए इन्जॉय कीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।